नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। आकाश चोपड़ा, भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज, हमेशा क्रिकेट पर अपनी राय रखते हैं, अपने YouTube चैनल भी चलाते हैं, साथ ही कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं। आकाश चोपड़ा आए दिन कोई ना कोई क्रिकेट के टॉपिक उठाते हैं और अपना विचार फैंस के सामने रखते हैं, अपने फैंस से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। हाल ही में आकाश चोपड़ा ने मेगा ऑक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है और आकाश चोपड़ा ने कहा है कि मुंबई इंडियंस को कोशिश करनी चाहिए कि मेगा ऑक्शन ना हो, क्योंकि अगर हुआ तो प्लान खराब हो जाएगा। इसके पीछे की वजह भी आकाश चोपड़ा ने बताई है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। यूट्यूब पर अपलोड एक वीडियो में आकाश चोपड़ा ने कहा, मुंबई इंडियंस के लिए यही सुझाव है कि वो बड़ी नीलामी को किसी तरह इजाज़त ना दे। हालांकि वे बेहतरीन हैं, लेकिन यदि बड़ी नीलामी होती है तो उनकी त्रुटिहीन योजना पर असर पड़ेगा। यदि बड़ी नीलामी होती है तो आप 5-6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं, तब कुछ बदलाव निश्चित रूप से करने होंगे। वे सभी खिलाड़ियों को रिटेन नहीं कर पाएंगे, उनके पास अभी अच्छे खिलाड़ी हैं तो उन्हें कुछ खिलाड़ी छोड़ने ही पड़ेंगे। आकाश चोपड़ा ने आगे कहा, यदि एक बार चीज़ें बदलती है तो पूरी कहानी बदल जाएगी, इसलिए मुंबई इंडियंस टीम नहीं चाहेगी कि कोई बड़ी नीलामी हो कम से कम 3 साल, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम सेट है। इस समय मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों और दूसरी टीम के खिलाड़ियों के बीच बहुत बड़ा गैप है, लिहाजा मुंबई से 2021 में यही उम्मीद करूँगा कि वो अच्छा प्रदर्शन करे। वैसे आकाश चोपड़ा का कहना भी सच है, पर ये तो मुंबई इंडियंस के लिए है। कई टीमें ऐसी है जो नए प्लेयर को शामिल करना चाहती है, इसलिए उन्हें मेगा ऑक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बढ़िया खरीदारी भी कर सके। बात रही मुंबई इंडियंस की, तो ये टीम मेगा ऑक्शन के बाद भी बढ़िया प्लेयर को शामिल कर सकती है और BCCI ये चाह रही है कि मेगा ऑक्शन हो और एक नई टीम IPL में जुड़े। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।